We are the org basically deals with a lot of things like financing to films, financing to television shows, financing against properties. That's a major issue with UC. And the best thing about the ERT organization is I have come up with a scheme जो पंतप्रधान जी ने एक आवास योजना उसके तहत हम लोगों ने एक नॉर्मल रूम डिज़ाइन किया। हर एक कॉमन मैन का ड्रीम होता है कि एक घर हो, अपना हो, छोटा सा हो लेकिन अपना घर हो। जब ये सपना साकार करने की इच्छा होती है तो आप सभी जानते हैं कि मिडिल क्लास परिवार के इंसान के लिए कितना डिफिकल्ट होता है अपना घर पाना। वी हैव कम द ब्यूटिफुल स्कीम जिसके तहत अगर आपके पास एक बड़ा बैंक बैलेंस नहीं भी हो और मात्र महीने के 15,000 अगर आप निकाल सको तो उसमें भी आप एक घर खरीद सकते हैं। यही ये ब्यूटिफुल स्कीम जो आज पी आर के ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। बचपन से एक ख्वाहिश रही थी कि लड़कियों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करूँ, काम करूँ, और मैंने अपनी फिल्मों के तहत हमेशा एक सोशल मैसेज दिया है। आई वर्क ऑन फिल्म विच आर मोस्टली डीलिंग विद वुमेन ट्रैफिकिंग। इट्स अबाउट यू नो हाउ गर्ल्स आर सोल्ड एंड बॉट। सो आई ट्राइड गेटिंग इट इनटू लाइट दीज सोशल इश्यूज, हाउ वुमेन आर टारगेटेड एंड किल्ड ऑल्सो एट टाइम्स। इसी दौरान मुझे स्कीम के बारे में पता चला और मैंने सोचा कि इस पर काम किया जाए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये एक सक्सेसफुल स्कीम मैं लेकर सबके सामने आई हूँ, जहाँ पर एक लड़की जो काम करने के लिए निकलती है घर से बाहर, वो भी आज अपने माता पिता को अपना अपने पॉकेट मनी से एक गिफ्ट दे सकती है, अपना घर उनको प्रेजेंट कर सकती है। सो वेरी हैप्पी दैट वी हैव वंडरफुल स्कीम्स एंड यू विल कम टू नो मोर अबाउट इट व्हेन यू आर इनसाइड फॉर श्योर। मुझे लगता है लाइफ चैलेंज एंड ये एक चैलेंज एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी एक्साइटमेंट भी है और एडवेंचर भी है। फिल्म जब आई तो कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में मैं काम करूँगी, बट व्हेन इट हैपेंड आई जस्ट डिड माय बेस्ट। मुझे लगता है कोई भी कभी भी अगर अपना 100% कोई भी चीज़ में देता है तो वो सक्सेसफुल होना ही है। देर इज़ नथिंग लाइक इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो आई नो इट्स गोना बी वेरी चैलेंजिंग बट आई एम श्योर इट्स गोना बी रिवॉर्डिंग टू, क्योंकि जो भी काम मैं हाथ में ले रही हूँ उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। मुझे लगता है कि हर चीज़ को टैकल करना और हर चीज़ को निभाना एक लड़की को सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है, और बीइंग अ वुमन आई एम प्राउड टू से दैट आई लव टू हैंडल चैलेंजेस एंड आई विल हैंडल दिस। प्लैनेट भोजपुरी।